बोला और उनके आशीर्वाद लेने के लिए धन्यवाद बोलने के लिए मैं जा रहा हूँ। खूब तरक्की करेंगे, तरक्की तो वो तब कर पाएंगे ना जब उसके सर से पूरा साया हट जाए। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि राकेश को तरक्की करते मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन सच तो ये कि उसके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आई जा रही है। जब तक वो पूरा साया हटेगा नहीं तब तक राकेश आगे कैसे मिले? धन्यवाद कहना चाहते हैं राघव जी की मदद की, आपने हमारी दादी का भी इलाज करवाया। हालांकि आप ऐसा कहती हैं फिर हम आपसे एक बात पूछें। पूछो ना, आप अचानक कैसे हमारे भलाई के बारे में कैसे सोच रहे थे? उस दिन भी जब हमारी दादी राघव जी और हमसे मिलने घर आई थी तब आपने हमें सच नहीं बताया कि हमारा राघव जी वहाँ नहीं रहते, और आप इस बात से भी गुस्सा नहीं हो कि धनवा चौक अंदर उन्होंने आपसे पहले हमारा छुलाया। और क्योंकि राघव जी ने तो आपको पानी इसलिए पिलाया था क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आपने उनसे विनती की कि वो हमें घर में आने दें। अच्छा होना एक बात है और आपको इतना अच्छा होना, ऐसे वाणी जी हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपने ना सिर्फ राघव जी की मदद की और आपने हमारी दादी का भी इलाज करवाया। भले आप कहती हैं कि ये सब आपने इंसानियत के नाते किया है, पर हम आपसे एक बात पूछें। आप अचानक कैसे अच्छा कैसे सोचने लगे हमारे लिए? जब हमारी दादी भी आई थी उससे तब आपने उन्हें सच नहीं बताया कि राघव जी हम वहाँ नहीं रहते, और आप इस बात से भी गुस्सा नहीं हुई कि राघव जी ने आपसे पहले हमारा करवा चौथ का व्रत तोड़ा, बल्कि उन्होंने तो पानी आपको इसलिए पिलाया था क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। पर हमारे साथ तो उन्होंने सर्दी भी खाई और खाना भी खाया, और कल रात भी जब दादी जी हमें दादाजी से मिलने के लिए घर में आने नहीं दे रही थी तब आपने उनसे विनती की कि वो हमें घर में आने दें। ऋषि, तुम्हारे सारे सवाल बिल्कुल सही है, पर बात तो ये है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। बड़प्पन इसी में कि अपनी हार स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हाँ, इस बात पर कोई शक नहीं कि मैं राघव से तुम्हें एकदम मोहब्बत करती हूँ। जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो तो तुम उससे प्यार ही नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। हाँ, पहले मैं अपनी हार मान नहीं पा रही थी, इसलिए मैं तुमसे लड़ रही थी राघव, और तुम्हें परेशान कर रही थी। तो जब मैंने देखा कि राघव तुम्हारा इतना ध्यान रखता है, इतना ख्याल रखता है, मुझे मानना ही पड़ा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्यार खोने का भी नाम। और तब से तुम मुझ में इतनी बदलाव देख पा रही हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुझ पर फिर से भरोसा करना बहुत मुश्किल है, पर मैं सच में बदल गई हूँ और मैं ये साबित भी कर चुकी हूँ। मिश्री, बस अब ज्यादा मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दादी कैसी है? उनकी तबीयत में कोई सुधार आया? बस आप मेरे तक कुछ बताया नहीं कि दादी की रिपोर्ट नहीं आई। अगर खाना जी चाहेंगे तो मुझे भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा चलो, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करें, आ जाओ। नहीं नहीं, दादी जी को अच्छा नहीं लगे। मिश्री, दादी से मैं बात कर रही हूँ, तुम अपनी तरफ से पहल तो करो, या फिर इस आउट हाउस में हमेशा के लिए रहने का इरादा है? चलो ठीक है, मैं बस 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाती हूँ। ठीक है।